अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल में किया औचक निरीक्षण। प्रसूता विभाग में कमियां मिलने पर जताई नाराजगी। रिकॉर्ड बुक पूर्ण करने का दिया निर्देश। आपको बताते चलें कि महाराजगंज जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल का औचक निरीक्षण करने पहुँचे। इस दौरान साफ सफाई, इमरजेंसी वार्ड आदि का निरीक्षण करने के बाद प्रसूता विभाग में पहुँचे, जहाँ ड्यूटी पर श्रीमती नीलम श्रीवास्तव मौजूद थी। जब उन्होंने रिकॉर्ड जांच करना शुरू किया तो आधा अधूरा रेत भड़क उठे और शीघ्र ही उसे पूर्ण करने का निर्देश दिया। अस्पताल में मौजूद मरीजों से भी मिलकर जानकारी हासिल की। उन्होंने प्रसूता विभाग में मौजूद श्रीमती नीलम श्रीवास्तव से कहा कि कोई दिक्कत होती है तो तत्काल अधीक्षक महोदय से सूचित कर डॉक्टरों से सहयोग लें, जिससे प्रसूता विभाग में कोई कमी नहीं होगी। इंडिया पावर न्यूज संवाददाता चंदन कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर देख लेगा तो कॉम्प्लिकेशन कोई होगा पता चल जाएगा, उसको समय सही जगह पहुंचा दिया जाएगा।
बीपी कम हो गया, एनीमिया हो गया, जैसे ब्लीडिंग हो रहा हो या और कोई डायबिटीज़ हो कुछ और सब चीज़ें, तो डॉक्टर डायग्नोसिस करके उसको पहले सुरक्षित भेज देगा अस्पताल पर, मरने से अच्छा है कि किसी हायर सेंटर पर जाकर उसका उपचार हो जाएगा। वही बवाल कराते हैं आप लोग, या अपने मन से रोके रहोगे ना, डॉक्टर तो देखने की फुर्सत है ना, आप लोगों की खाने की फुर्सत है। चर्च अच्छे डॉक्टर लोग यहाँ पता नहीं क्या करते हैं, कभी आप लोग देखो लेबर रूम में नहीं देखिए आप देखिए कर देते हैं। इतना बार हम हर बैठक से समझाते भी रहते हैं, आप लोगों को बताते भी रहते हैं, लेकिन आप लोग जहाँ भी जाओ वही स्थिति आप क्या है ना, ये पूरे जिले की स्थिति। अब आप लोगों के पास इतने आदमी इतने डॉक्टर, हम लोग जब कभी पी एस सी पे अकेले रहते थे उसमें भी आके देखते थे ना, हर मरीज को आप लोगों का जिम्मेदारी बनती हो, चाहे वो कॉम्प्लिकेशन हो चाहे नो कॉम्प्लिकेशन, वो डॉक्टर से जरूर देखेगा जवान ड्यूटी रहे तो देखेगा अपनी नोट सी की स्पेंट्री करेगा है, और ठीक से देखेगा नहीं फॉर्मेलिटी नहीं करना है, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसको पहले बता दीजिए कि अपना से तुरंत ध्यान ले जाइए, फिर जाँच कर लीजिए जब मुझे जाने चाहिए। महिलाओं के और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार बहुत गंभीर है, इतनी सुविधाएँ इसीलिए दी जा रही है, आप हो इतने लोग हम लोग इसीलिए हैं कि उनको सेवाएं मिले, इसलिए नहीं है कि हम लोग तनख्वाह लेके अपना बेरोजगारी करते हैं। ऐसा बाकी बात मैं आऊँगा तो सब देखूंगा, सारी चीज़ें भरी बोलूँगा कि मिलान करा दीजिए जो बेकार सामान्यतः हम लोग फील्ड में जाते रहते हैं, तो जो जो भी व्यवस्थाएं होती हैं कि उसमें योजनाएं चल रही हैं सही दिशा में चल रही हैं उसको देखते हैं, और उसमें जो भी कमियां गैप पाए जाते हैं उसको सुधार के लिए हम निर्देश देते हैं। सर संक्षेप में अगर आप बता दें तो क्या क्या कमियाँ यहाँ पे क्या अनियमितता मिली यहाँ पे अनियमितता रिकॉर्ड्स की मिली है, रिकॉर्ड्स जो प्रॉपर रख रखाव नहीं हो रहा है खास करके प्रसव कक्ष में, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि अगली बार लोग सुधार कर लें, अगली बार सुधार करें।